अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अच्छा जी, आज हम अपनी शुरू करने वाले हैं अब सोशल स्टडीज़ की क्लास। तो हम आज सोशल स्टडीज़ में क्या इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं? आपको पता है हम किस चैप्टर पे आजकल वर्किंग कर रहे हैं? हम अपने चैप्टर पर हैं, चैप्टर नंबर 2, टेक केयर। आपको याद है इस चैप्टर में क्या था? भूले तो नहीं है आप चैप्टर को? पहले तो आप मुझे ये भी बताइए कि आपने अपना पिछला सारा काम मुकम्मल किया और अपने टीचर को सारा काम सेंड किया है। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जो काम है वक्त पे मुकम्मल होना चाहिए, है ना, ताकि हमारा काम साथ साथ चलता रहेगा और किसी चीज़ में आप लेट भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलें हम आज की वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि आज हमने क्या काम करना है। तो भाई आज हमने जो काम करना है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। हरी अप, ओपन कर लिया, वेरी गुड। यहाँ पे आप अपने पेज नंबर 11 पे देखिए, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं। आज हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, तो जल्दी से ज़रा देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। भाई हम पहली ब्लैंक पढ़ते हैं और मुझे पता है कि आपने इस चैप्टर को इतने अच्छे से समझा है, रीड किया है कि आप बहुत आसानी से इन ब्लैंक्स का आंसर बहुत आसानी से बता देंगे। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट ब्लैंक रीड करते हैं कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या है। रीड कीजिए मेरे साथ साथ, वी मस्ट क्रॉस द रोड एट अ डैश। क्या आएगा यहाँ पे? वी मस्ट क्रॉस द रोड एट अ, हमें रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? सोचिए ज़रा, हमने इस चीज़ की बात की थी अपने चैप्टर में, कहाँ से? अच्छा, कहीं से भी भागते हुए रोड क्रॉस कर लेना चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं, इट इज़ डेंजरस, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हमें कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, शाबाश, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ब्लैंक में आएगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो चलिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग लिखिए और अपनी इस ब्लैंक को कंप्लीट करके मेरे साथ रीड कीजिए। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लिख लिया आपने, शाबाश। चलें अब हम अपनी सेकंड ब्लैंक देखते हैं, उसमें क्या है। वी शुड नॉट लिसन टू लाउड डैश एट नाइट। वी शुड नॉट लिसन टू लाउड डैश एट नाइट, हमें रात के टाइम बहुत तेज़ आवाज़ में क्या चीज़ नहीं सुननी चाहिए? जल्दी से वापस अपनी ज़रा सोच में अपनी जाइए अपने चैप्टर पे, क्या था, क्या सुन रहा था अमजद रात को बहुत तेज़ लाउड, क्या चीज़ थी? गुड म्यूज़िक, यस, हमें लेट नाइट बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं सुननी चाहिए। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा म्यूज़िक, वेरी गुड, जल्दी से लिखिए म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक। और सेंटेंस कंप्लीट करके मेरे साथ रीड कीजिए। वी शुड नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक एट नाइट, वेरी गुड, हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। वी शुड नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक एट नाइट, गुड, वेरी गुड। चलिए अब थर्ड सेंटेंस देखें कि इसमें क्या ब्लैंक मौजूद है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी डैश। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी डैश, हमें अपने टीवी का वॉल्यूम कैसा रखना चाहिए? आप जब घर में टीवी देखते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में देखते हैं या आप बहुत हल्की लो वॉल्यूम में देखते हैं? जल्दी से सोच के बताइए कैसा होना चाहिए? लो, बिल्कुल ठीक। तो जल्दी से इस ब्लैंक को फिर कंप्लीट कीजिए। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी लो, ठीक है, लिख लिया आपने, जल्दी से पढ़िए फिर मेरे साथ एक दफ़ा दोबारा। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी लो, वेरी गुड, कंप्लीट हो गया ये भी। चलिए अब हम अपनी फोर्थ ब्लैंक देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। फोर्थ ब्लैंक में है वी मस्ट टेक केयर व्हाइल डैश द रोड। वी मस्ट टेक केयर व्हाइल डैश द रोड, हमें बहुत ख्याल से रोड को क्या करना चाहिए? जंप करना चाहिए? नो,
क्या करना चाहिए? रोड पे रनिंग करनी चाहिए? नो नो, फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल क्रॉसिंग। वाइल क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट बी केयरफुल। हम जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमें बहुत ख्याल से मोहतात होके करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग। तो जल्दी से लिखिए, कंप्लीट कीजिए और मेरे साथ रीड कीजिए। वी मस्ट टेक केयर वाइल क्रॉसिंग द रोड। वी मस्ट टेक केयर वाइल क्रॉसिंग द रोड। गुड। चलिए अब नेक्स्ट ब्लैंक हम पढ़ते हैं, अपनी फिफ्थ ब्लैंक। इसमें क्या है? वी शुड डैश फॉर अवर नेबर्स। वी शुड डैश फॉर अवर नेबर्स। भाई हमें अपने नेबर्स के साथ क्या करना चाहिए? उनका क्या करना चाहिए? उन्हें तंग करना चाहिए? नहीं नहीं, बहुत बुरी बात। फिर क्या करना चाहिए? उनकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप करते हैं अपने नेबर्स की केयर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आएगा? केयर, केयर। तो जल्दी से लिखिए, ब्लैंक कंप्लीट कीजिए, मेरे साथ रीड कीजिए। वी शुड केयर फॉर आवर नेबर्स। वी शुड केयर फॉर आवर नेबर्स। वेरी गुड। चलिए अब हम अपनी लास्ट ब्लैंक कंप्लीट करते हैं, यानी सिक्स ब्लैंक। उसमें क्या है? वी शुड नॉट बी रूड टू डैश। We should not be rude to dash. हमें रूड नहीं होना चाहिए। किसके साथ? अपने आप के साथ? नो, दूसरे लोगों के साथ, अदर पीपल के साथ, है ना? हमें रूड बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा अदर्स। क्या आएगा? अदर्स। तो जल्दी से आप लिखिए और कंप्लीट कीजिए, फिर हम जल्दी से इसे रीड करते हैं। वी शुड not be rude to others. ठीक है, we should not be rude to others. Complete हो गई ये blank भी। अब आपने क्या करना है? आपने जल्दी से ये पूरा अपना काम मुकम्मल करना है। अगर complete साथ साथ नहीं हुआ है तो recording को रोकिए, pause करके देखिए और सारी blanks एक एक करके कंप्लीट कीजिए, फिल कीजिए, पूरा सेंटेंस रीड कीजिए, फिर अपने इस काम की पिक अपने टीचर को सेंड कीजिए। और याद रखिएगा, जब ब्लैंक फिल कीजिए तो पूरे सेंटेंस को एक दफ़ा रीड करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।